हेलो गाइस, दिस इज़ स्वदेश सिंह एंड नाउ यू वाचिंग टेक बीनर। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट एक्सचेंज जिसमें आप बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तीन एक्सचेंज के बारे में बात करूंगा। एक्सचेंजेस तो बहुत सारे थे और काफ़ी सारे अच्छे थे, तो मुझे कुछ ही एक्सचेंजेस पसंद आए और मेरे दोस्त जो काफ़ी यूज करते हैं, उन्होंने काफ़ी टाइम से वो यूज करते हैं, तो इस पे कोई डाउट का सवाल नहीं उठता कि ये एक्सचेंजेस मतलब सही हैं, या कभी आपका बिटकॉइन बैन हो जाता है इंडिया में तो क्या मतलब आपका जो क्रिप्टो करेंसी है वो आपके वॉलेट में सेफ़ रहेगा। तो ये गाइस, ये मेरा दोस्तों का पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी टाइम से यूज कर रहे हैं। तो इन्हीं तीनों एक्सचेंजों के बारे में बताऊँगा और मैंने इसमें जेप्पे को भी इंक्लूड किया है क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस का एक्सचेंज है, मैंने इसे काफ़ी यूज़ किया है। तो यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही हैं तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ और दूसरा एक्सचेंज ज्वाइन करूँगा। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो वीडियो को बिना स्किप किए मत देखना और लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइस, यहाँ पे मैं एक चार्ट के जरिए आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ मैंने नोट्स करके लिखा है। तो यहाँ पे हम जेप्पे की बात करें, मैं यहाँ पे गाइस मेजर चीज़ें लेके चलूँगा जो उसकी मेकर फीस है और जो ट्रेडिंग फीस है। तो यहाँ पे गाइस जैसा देख सकते हैं, जेप्पे की जो मेकर फीस 0.15% है और टेकर फीस 0.25% है और इंट्राडे फीस 0.10% है। तो यहाँ पे गाइस ये आप नहीं समझ पा रहे होंगे मेकर फीस टेकर फीस क्या होता है, तो चलिए मैं आपको ग्राफ के जरिए समझा देता हूँ, मतलब ग्राफ की नहीं, सीधा आपको फाइट पे ले चलता हूँ, दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं, अगर जो आपने कोई मतलब बिटकॉइन बाई किया, अगर जो वो इंस्टेंटली मैच हो गया तो आपको मेकर फीस चार्ज करनी पड़ेगी, अगर जो इंस्टेंटली मैच नहीं होता है तो आपको टेकर फीस यानी पूरे अमाउंट का 0.25% जेब पे रखेगा। अगर जो इनमें से दोनों में से गाइस कोई नहीं होता, कुछ देर तक होल्ड जाता है, तो जो आफ्टर मतलब मिड नाइट मतलब आधी रात के बाद जो आपको चार्ज लगेगा वो 0.1% लगेगा। तो यहाँ पे गाइस आपको मेकर फीस और टेकर फीस पे समझ में आ गया और बाकी भी चीज़ों में समझ में आ जाएगा कि मेकर फीस क्या है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं विड्रॉल की, जैसे आपने कुछ अर्न किया क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करके, तो यहाँ पे आपको पर विड्रॉल 10 रुपीज़ देना पड़ता है। और डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्री डिपॉजिट मिलता है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ती और आप UPI यानी अपने मोबीक्विक से भी डिपॉजिट कर सकते हैं। और विड्रॉल के लिमिट्स यहाँ पर 300 BTC दिखी हैं, और अगर जो आप कोई BTC सेंड करते हैं किसी जेप्पे वॉलेट में तो आपको 0.00049 का चार्जेस देना पड़ता है। और गाइज ये डेली ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपनी जेप्पे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और यहाँ हम अगले स्टेप की और वजीर एफ की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कई 0.2% दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे मेकर फीस टेकर फीस दोनों 0.2% है। और यहाँ पे गाइस अगर जो आप पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 0% लगेगा। तो गाइस यहाँ पे पीयर ट्रांसफ़र की मैं बता दूँ, इसका एक सीधा एग्जांपल आप समझ लीजिए कि जैसे आपका ओलेक्स हो गया, ठीक है, ओलेक्स गाइस पे ओलेक्स पे वहाँ पे रोल होता है आपका, आपको आप मतलब आपका जो कनेक्शन आपका मतलब कम आपकी बात कर बात कर बात पहुंचाना, आप जैसे सेलर हैं कुछ बेच रहे हैं तो वो बायर्स की तरफ बायर्स को आपकी मतलब कन्वर्सेशन कराना, बस उनका तरीका ये होता है। और आप जो मनी मतलब ख़रीदते हैं मतलब जो मनी देते हैं वो सीधा आप सेलर से कॉन्टेक्ट कीजिए, अगर जो आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं, अगर जो आप कुछ बेचना चाहते हैं तो भी आप बायर से सीधा कनेक्ट करके आप उनके पास जाके उन्हें कन्विंस करके पैसे ले सकते हैं। तो यही पे भाई पीयर टू पीयर पे आपको क्वेश्चन उठता होगा कि जैसे मैंने कुछ सेल करना चाहता हूँ, तो जैसे आपने कहा कि मैं 1 BTC बेचना चाहता हूँ, तो जो क्या होगा वजीर एक्स वहाँ पे आपको 1 BTC आपका दिखाएगा और वहाँ पे सेलर देखेंगी कोई 1 BTC बेच रहा है, तो वो आपका BTC ख़रीदने के लिए जैसे ही प्रोसेस करेंगे तो पहले क्या होगा कि जो आपका 1 BTC है वो वजीर एक्स होल्ड कर लेगा, मतलब वजीर एक्स रख लेगा। तो क्योंकि वहाँ पे आपको भरोसा किस पे है, वजीर एक्स पे, ना कि सेलर्स पे। तो वहाँ पे वजीर एक्स आपका BTC होल्ड कर लेगा और
फिर जब आप अपने जो उसे कहेंगे कि आप पैसे कहाँ मंगाना चाहते हो, आपको उसे वो आपको पैसे देगा, और फिर आप कहेंगे कि मैंने जो पेमेंट मुझे पेमेंट आ गया, और उससे भी वजीरेस पूछेगा उसने कहा आपको पेमेंट मिला या पेमेंट आपने भेजा, जब दोनों तरफ से वो बात कंफर्म कर लेगा तब वो वजीरेस जो BTC होल्ड किए हुआ था वो उसको बायर्स को दे देगा। तो गाइस उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे जो हम बात करें विड्रॉल की फ़ीस, तो यहाँ पे भाई विड्रॉल की फ़ीस ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पे जो गाइस बायर टू सेलर जैसा बताया और एडवांटेज है, तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस जो काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब अच्छी है एज़ टू कंपेयर जेपे। और यहाँ पे मैं थर्ड एक्सचेंज की बात करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज करता हूँ पहले। गाइज जी, तीसरा एक्सचेंज बाइनेंस के बारे में बात करूँगा। ये गाइज इंटरनेशनल एक्सचेंज है और ये काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है, और यहाँ पे जो चीफर फीसेस हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया। इसमें काफ़ी अच्छे यूज़र्स हैं, तो यहाँ पे मैं इसके फीसेस के बारे में देख सकते हैं, मैंने लिस्ट किया है। अगर जो आप 50 BTC या कुछ इतना करते हैं, और ये BNB, ये इसके बाइनेंस टोकन्स हैं, तो गाइस 50 BTC से आप कुछ तक करते हैं चार्जेस, तो आपको 0.1 फीसद देनी पड़ेगी, जहाँ पे वजीरेक्स और जेपे की काफ़ी उससे कम है। अगर जो यहाँ पे लिखा है गाइस BNB, मतलब 2.5% ऑफ, अगर जो इसकी जो ऑफर चलते रहते हैं, यहाँ पे इसका रेफरल प्रोग्राम दिया हुआ है, आपने किसी रेफरल लिंक से ज्वाइन किया है तो आपको 20% की छूट मिलेगी मतलब फीसेस पे, तो ये काफ़ी अच्छा ऐप है। बस यहाँ पे गाइस एक दिक्कत ये रहती है कि इसमें जो डिपॉजिट का सिस्टम है वो काफ़ी मतलब ग्लोबली है, यहाँ पे आपको पता नहीं क्रेडिट कार्ड किससे देना पड़ेगा, जो सबके पास अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ पे बता दूँ आपको दो एक्सचेंज यूज करने पड़ेंगे, वजीरेक्स और बाइनेंस। अगर जो वजीरेक्स पे आप डिपॉजिट कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं वजीरेक्स की बात करूँ डिपॉजिट सिस्टम की, तो यहाँ पे डिपॉजिट सिस्टम पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो गाइज यहाँ पे वजीरेक्स की बात करूँ, तो यहाँ पे वजीरेक्स में आप IMPS, RTGS, NFT से भी मतलब पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। गाइज ये तीनों चीज़ें इंटरनेट बैंकिंग आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ IMPS मतलब आप 1 लाख से ऊपर भी फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे UPI की बात करें, UPI मतलब आपने फ़ोन पे, पेटीएम, ऐसी सारी ऐप्स से भी आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे गाइस 0 फीस लगता है, और ये अवेलेबल है 24 आवर के लिए, और यहाँ पे इंस्टेंट डिपॉजिट होता है, और यहाँ पे आप अच्छे से डिपॉजिट करके आप अपने बाइनेंस में पैसे भेज सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे बाइनेंस में आपको पैसे भेजने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, जैसे ही आप वजीर एक्स में कुछ पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो गाइस आपको जो सीधा पैसा है वो बाइनेंस में चला जाएगा। तो गाइस बाइनेंस में पैसे जाने के लिए कुछ 2 सेकंड का वेट करना पड़ेगा ऐसे, तो आपका इंस्टेंट जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, चाहे आप USDT में भेजें तो आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, वहाँ से आप ट्रेडिंग करके फिर उसे रिटर्न वजीरेक्स में लाके आप अपने पैसे बैंक में ले सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर जो कोई इससे अच्छा एक्सचेंज आता है तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर जो मन में कोई बात पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे पूछ सकते हैं, और यहाँ नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय जय भारत।